और ये जो बनाना है इसका मास कितना है 16 kg है कितना मास है बच्चों और एक बंदर है ठीक है ठीक जो मंकी है क्या कर रहा है ये तो जो दूंक... क्वेश्चन है इसका मैक्सिमम एक्सलेशन कितना होना चाहिए सोचो ये जो मंकी है ना इसका मैक्सिमम एक्सलरेशन कितना होना चाहिए कि जो बनाना है ये ऊपर ना उठे ठीक है मतलब ये मंकी मैक्सिमम कितना एक्सलरेशन से ऊपर जा सकता है पर बनाना ऊपर नहीं उठेगा तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखो पहले तो देखो इस मंकी के ऊपर कितना फोर्सेस एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है कितना एम जी तो इसका मास है ट्वेल्व तो के जी तो ट्वेल्व जी और ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है टेंशन फोर्स तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि भाई बनाना जस्ट ऊपर उठे अच्छा देखो पहले ये 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 सोच लो कि ए जो ए जो मंकी के ऊपर ना अगर ये एक्सेलरेशन से ऊपर 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 जा रहा रहा है है तो तो कितना फोर्स एक्ट हो मंकी मंकी के के भाई जो फोर्स एक्ट हो रहा है सोचो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है मंकी के ऊपर तो भाई देखो नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है एम जी और ऊपर के डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो है रहा है टेंशन फोर्स क्योंकि मंकी ऊपर जा रहा है तो हम लिखेंगे टी माइनस कितना एम जी इक्वल्स टू कितना होगा इक्वल्स टू एम ए होगा तो आपको पता है कि भाई देखो ये जो M का वैल्यू है ना ये कितना है ट्वेल्व है मंकी का और जी का वैल्यू कितना है टेन है तो मतलब ए हो गया वन ट्वेंटी सही ना इक्वल्स टू कितना है ट्वेल्व इन ए इसको दे दो इक्वेशन नंबर वन ठीक है अभी हमें क्या करना पड़ेगा ये तो हो गया इक्वेशन नंबर वन अभी हमें क्या करना पड़ेगा अभी हमें जो काम करना पड़ेगा देखो ये जो ये जो बनाना है इसके ऊपर कितना फोर्सेस एक्ट हो रहा है देखो ये जो बनाना है ना बनाना है इसका ऊपर कितना फोर्सेस एक्ट हो रहा है देखो बनाना उपर, उपर के ऊपर ऊपर के डायरेक्शन में तो फोर्स एक्ट हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन ठीक है कितना फोर्स एक्ट हो रहा है एक तो हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और कुछ हाँ सर और भी एक फोर्स एक्ट हो रहा है वो है टेंशन फोर्स और नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा है देखो बनाना तो इस इ, इधर तो रखा हुआ है ना इधर तो रखा हुआ है तो बनाना के ऊपर तो नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा और रस्सी से बांधा भी हुआ है तो इसका मतलब टेंशन फोर्स भी एक्ट होगा और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स होगा एम जी एम का वैल्यू कितना है सिक्सटीन उसके साथ जी ठीक है अच्छा तो इसका इक्वेशन को अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे हमें लिखना पड़ेगा कि भाई एन प्लस टी इक्वल्स टू कितना लिखना पड़ेगा ठीक है mg इसका मतलब 160 क्योंकि g का वैल्यू तो 10 है तो देखो हम ऐसे कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे कि बनाना जस्ट जस्ट लिफ्टिंग बनाना जस्ट लिफ्टिंग मतलब जस्ट ऊपर उठ रहा है ऐसा कंडीशन के लिए करेंगे ठीक है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैक्सिमम कितना एक्सीलरेशन होगा कि बनाना ना उठे हम ऐसे सॉल्व करेंगे इन दोनों का बीच में कि जस्ट ऊपर उठे तो जब ऊपर उठे तो इसका नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब आपको मिल गया जो टेंशन फोर्स है वो कितना है वन सिक्सटी न्यूटन तो देखो इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन में टेंशन फोर्स का वैल्यू लिख देंगे तो अगर टेंशन फोर्स का वैल्यू हम लिख देते हैं तो क्या होगा वो हो जाएगा वन सिक्सटी माइनस कितना वन ट्वेंटी इक्वल्स टू कितना ट्वेल्व ए तो इसका मतलब आपको देखो आपको जो मिल गया क्या मिल गया एक्सेलरेशन का वैल्यू वो कितना है 40 12 और इसका वैल्यू कितना होता है थ्री पॉइंट मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ये जो बंदर है वो ऊपर जा सकता है वो कितना है थ्री पॉइंट थ्री थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके समझ में आया मुझे लगता है सब लोगों को समझ में आया ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन